का जो ये प्रोग्राम है सेफलिंग डोनेशन जो आपके द्वारा किया जा रहा है और हमारे आयुष एंटरप्राइज ने इस मुहिम को छेड़ा है, इसके साथ बोर्डुमसा को क्लीन बोर्डुमसा के रूप में देखने का जो उनका आशा और आपका जो सपोर्ट, उसके विषय में आप कुछ बोलना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग, थैंक यू। और खास करके आपका नाम ले लेता हूँ, किशोर भाई, यू आर ऑलराउंडर एज पर माई ऑब्जर्वेशन। सो At the very outset, I must thank Ganeshyam Bhai for taking up these initiatives, for taking up plantations in Bordumsa areas. Really, we all must appreciate these initiatives. As we all know, at present times, we all experience or observe our day-to-day turmoil of environment, climate change. So this is very important and positive initiative for planting of trees in Bordumsa areas. I must thank every one of you and our boys and girls standing here for your endeavors toward this novel initiatives. बच्चे सारे देश जाओ, बच्चे सारे देश जाओ, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, अंधिया अंधा लाओ, अंधिया अंधा लाओ, बच्चे सारे देश जाओ, बच्चे सारे देश जाओ। हेलो, हाँ अभी बोलो, आज हम यहाँ आप सभी को कुछ बताने आए हैं, कुछ समझाने आए हैं और कुछ दिखाने आए हैं। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। उस्ताद अब तो बताइए कौन सा नाटक? एक कदम प्लास्टिक मुक्त बोर्डुमसा की ओर, एक कदम प्लास्टिक मुक्त बोर्डुमसा की ओर, एक कदम प्लास्टिक मुक्त भारत की ओर, एक कदम प्लास्टिक मुक्त भारत की ओर। अरे वाह वाह वाह, 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 अरे वाह वाह वाह। अरे जम्बू रे, कहाँ है रे तू? आज ही उस्ताद, मैं यहाँ। चल आज मैं तुझे कहीं ले जाता हूँ। कहाँ ले जा रहे हो? फिल्म देखे। वैसे भी उस्ताद बहुत दिनों से फिल्म नहीं देखे। तेरी की हर वक्त फिल्म फिल्म फिल्म, कुछ और भी तो सोचा कर। अरे जम्बू रे, क्या सोच रहे हो? अरे उस्ताद जी, आपने तो कहा कुछ सोच, इसलिए सोच रहा था। तू मत सोचा कर, आज मैं तुझे अवार्ड फंक्शन में ले जाता हूँ। चलिए उस्ताद। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आई वेलकम यू ऑन द ऑस्पिशियस सेरेमनी अवार्ड function organized by our society. The award will be given to the candidate who are excelled in No Plastic campaign. First of all, I would like to invite our chief guest to give away the award to the winners. First of all, first award goes to Mr. Mulchan Ambani, a well-renowned industrialist who never prefers single-use plastic in his industry. अरे उस्ताद, इन्हें क्यों अवार्ड मिल रहा है? नहीं छोड़ दे,
इन महाशय का बहुत बड़ा इंडस्ट्री और सुपरमार्केट है, जहां पर इन महाशय अपनी सुपरमार्केट और इंडस्ट्री पर सिंगल यूज प्लास्टिक का बिल्कुल उपयोग नहीं करता, इसीलिए इन महाशय को अवार्ड मिल रहा है। ऐसा क्या? Second award goes to Kevin Kechurwala. अरे अरे उस्ताद देखिए, अब तो ये कचरे वालों को भी अवार्ड मिल रहे हैं। नहीं चमोरे, इन महाशय का तो सरनेम कचरा वाला है, बाकी इन महाशय ने तो घर घर जाके लोगों को बताया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का बिल्कुल उपयोग नहीं करना चाहिए, इसीलिए इन महाशय को अवार्ड मिल रहा है। ऐसा क्या? अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। थर्ड अवार्ड गोज टू द कैटरिंग बिजनेसमैन मिस्टर ताय पचीवाला। अरे चमोरे, इन चेहरे को पहचाना? उस्ताद इनको कहीं देखा है पर याद नहीं आ रहा। अरे याद भी तो रखा कर, पिछले हफ्ते हम शादी पे गए थे तो इनका ही तो कैटरिंग था। अरे हाँ, पिज्जा बर्गर और कचौरी पानी पूरी, इनका तो कोई जवाब ही नहीं था, तो क्या इन्हें कचौरी का अवार्ड मिल रहा है? नहीं चमोरे, इन महाशय ने जहाँ पर भी कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया है वहाँ पर इन महाशय ने सिंगल यूज प्लास्टिक का बिल्कुल उपयोग नहीं किया है, इसीलिए इन्हें अवार्ड मिल रहा है। ऐसा क्या? अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, बोलो क्या? पानी का बोतल। तो ये सारा चीजें क्या है? प्लास्टिक प्रोडक्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट, जिसका यूज हमें नहीं करना चाहिए या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ओके। नहीं, बोलो। और बच्चों, इन सभी का उपयोग बस एक ही बार किया जाता है। मेरा ये बोल। अभी उठो। नेक्स्ट। बोल हाँ बताओ, बस इतना ही। एक स्टूडेंट ने बताया कि प्लास्टिक खुद ब खुद नष्ट नहीं होता है, क्या ये सच है? प्लास्टिक खुद ब खुद नष्ट होता है? नहीं। प्लास्टिक खुद ब खुद नष्ट होता है? नहीं। तो हमें प्लास्टिक का यूज करना चाहिए या नहीं? ये प्लास्टिक पानी के स्रोत को भी हानि पहुंचाता है। इनके हिसाब से ये स्टूडेंट ने कहा कि प्लास्टिक हमारे पानी के स्रोतों को भी नष्ट पहुंचाता है। पानी के स्रोतों को किस तरह से नष्ट पहुंचाता है? अगर हम लोग अपने घर के सारे पॉलिथीन अगर ड्रेनेज में फेंक दे तो वो ड्रेनेज के जो कचरा है उस पॉलिथीन के अंदर जमा होकर बाद में उसे पानी को भी ब्लॉक करता है। तो ब्लॉक करता है या नहीं? ब्लॉक करता है या नहीं? और कोई जोर से, ये कचरा समुद्री जीवों को भी नष्ट पहुंचाता है। ओके। और इनके हिसाब से ये कह रहे हैं कि प्लास्टिक के वजह से समुद्र के जीवों को भी नष्ट पहुंचता है, समुद्र के जीवों को भी नष्ट पहुंचता है कि नहीं? ये जो
जो प्लास्टिक है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसको अगर हम लोग नदी में फेंक दे, ड्रेनेज सिस्टम में फेंक दे, तो वो नदी में मिलके जो जीव है उनको भी नष्ट पहुंचाता है। पहुंचाता है या नहीं? उसमें से और हम इस प्लास्टिक को अगर जमीन में गाड़ते हैं तो यह पानी को भी नष्ट कर देता है। उसमें से अगर हमें इसे जलाते हैं तो इससे बहुत ही जहरीला गैस निकलता है। तो एक स्टूडेंट के हिसाब से वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग जो जमा हुआ पॉलिथीन को हम लोग वेस्ट पोते थे, हम लोग घर में रहते हैं, वो लोग यही चाहते हैं कि जो ये वेस्ट प्रोडक्ट है पॉलिथीन है, इसको जला देना चाहिए। क्या करना चाहिए? जला देना चाहिए। हम यही करते हैं, जला देते हैं। और अगर हम इस पॉलिथीन को जलाते हैं तो इससे बहुत ज्यादा जहरीला गैस निकलता है और इस जहरीला गैस से हमें भयंकर बीमारी हो सकती है। तो कचरा को और वेस्ट प्रोडक्ट, पॉलिथीन रिलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट को हमें जलाना चाहिए या नहीं? ओके, नेक्स्ट। इसीलिए हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना चाहिए, यानी रिड्यूस प्लास्टिक, रिड्यूस प्लास्टिक, रिड्यूस प्लास्टिक, रिड्यूस प्लास्टिक। तो इसी हिसाब से एक बच्चे ने सोल्यूशन दिया कि हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए, कम करना चाहिए, कम करना चाहिए। सही है या नहीं? सही है। प्लास्टिक का यूज हमें रिड्यूस कर, प्लास्टिक का यूज हमें कम करना चाहिए और उसे रियूज करना चाहिए, यानी रियूज प्लास्टिक, रियूज प्लास्टिक, रियूज प्लास्टिक, रियूज प्लास्टिक, रियूज प्लास्टिक, रियूज प्लास्टिक। तो एक ने बताया कि हमें प्लास्टिक को रिड्यूस करना चाहिए, मतलब उसका उससे हम लोग नहीं यूज करना चाहिए। दूसरे ने बताया कि उस प्लास्टिक को अगर हम लोग एक कैरी बैग बाजार से लेके आते हैं तो उस कैरी बैग को आप संभाल के रखिए ताकि बाद से यूज करें। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक को रियूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? ओके। और कोई लास्ट? इससे अच्छा जो रिसाइकल हो सके ऐसा प्लास्टिक यूज करे, यानी कि रिसाइकल प्लास्टिक, रिसाइकल प्लास्टिक, रिसाइकल प्लास्टिक, रिसाइकल प्लास्टिक। तो इनके हिसाब से कि हमें उस तरह का प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हम क्या कर सके, क्या कर सके, यस रिसाइकल कर सके। ऐसा प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हम लोग क्या कर सके, रिसाइकल कर सके। तो तीन आर को हमें याद रखना चाहिए। कौन सा तीन आर को हमें याद रखना चाहिए? रिसाइकल, प्लास्टिक एंड रिड्यूस, रिसाइकल एंड रिड्यूस प्लास्टिक। अगर हो सकता है तो हमें दुकानों में जाकर कभी भी पॉलिथीन मांगने की आवश्यकता ना आए। हमें पॉलिथीन, अदर प्लास्टिक जो प्रोडक्ट है उसे रिड्यूस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रिड्यूस। क्या करना चाहिए? एक कदम प्लास्टिक मुक्त बोर्डुम्सा की ओर, एक कदम प्लास्टिक मुक्त भारत की ओर। आप बहुत बहुत धन्यवाद हमारे छात्रों को और बर्दुमसा वासियों को कि आपने आपका कीमती समय इस प्रोग्राम को देखने में दिया। हमारा जो मुहिम है उस मुहिम का नाम है क्लीन बर्दुमसा, ग्रीन बर्दुमसा। क्लीन बर्दुमसा का मतलब है साफ बर्दुमसा, ग्रीन बर्दुमसा का मतलब है हरा बर्दुमसा। क्या आप चाहते हैं कि बर्दुमसा साफ सुथरा और हरा हो? जोर से yes! प्लांटेशन का प्रोग्राम को आगे हम लोग बढ़ाते रहेंगे। टोटल 2022 हम लोग सैपलिंग्स प्लांट लगाने वाले हैं और ये मैं मुझे काफी खुश भी होती है कि ये बता के कि हमारे लोकल एमएलए मिस्टर समलुंग मुसांग ने आज 650 प्लांट का उन्होंने डोनेशन किया है और काफी
सपोर्ट किया इस इनिशिएटिव को, हमारे एडीसी साहब और हमारे बहुत सारे पब्लिक लीडर्स, हमारे ZPM साहब, मिस्टर खचांग मायो और मिस्टर बहुनबो हमारे लीडर हैं इस